अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई प्रोडक्ट, और एक ऐसी प्रोडक्ट जो हर किसी को ज़रूरत है, हर लेडीज़ की ज़रूरत है। और जैसे कि अब समर है, तो आई थिंक सो नॉट ओनली फॉर द समर, एवरी टाइम आई थिंक सो मॉर्निंग इवनिंग को आपको ज़रूरत पड़ती है। वो मेरे पास एक जो प्रोडक्ट है, ये मेरे पास है एविलाइन कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट वाइटनिंग प्रेस्टीज 4D, और ये है 3-in-1 प्रोडक्ट, आपका क्लींजर, आपका लोशन और आपका मेकअप रिमूवर। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस थे कि हमें बेस्ट जो है वो मेकअप रिमूवर बताएं, बेस्ट मेकअप रिमूवर बताएं। कंपनी में बहुत सारे मेकअप रिमूवर आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये 3-in-1 प्रोडक्ट है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है कि स्किन डल हो जाएगी, चिपचिपापन, लेकिन ये जो एविलाइन का है 4D, आउटस्टैंडिंग, नो चिप चिप। आप इसकी क्लींजिंग अच्छे से करें, मेकअप रिमूव करें, वाटरप्रूफ मेकअप रिमूव करें, और इवन कि ये आईज पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं करता। और अब चलते हैं इसकी प्रोडक्ट के बारे में और देखते हैं इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन को वाइट रखती है, स्मूथ रखती है, और हर तरह की जो है ना वो प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस करते हैं हम इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये बहुत ही प्यारी जो है वो वाइट और पिंक कलर की बोतल है, जस्ट लाइक स्पेशली फॉर द गर्ल्स। और ये है वाइट प्रिस्टिज 4D वाइटनिंग जेंटल मेकअप रिमूवर लोशन। और अब देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और क्या केमिकल्स हैं इसके अंदर। नाइसिनमाइड और सेंटीला, और ये दोनों प्रोडक्ट, दोनों जो केमिकल्स हैं, और बहुत इफेक्टिव है स्किन के लिए, एक्नी प्रोन स्किन के लिए, और वाइटनिंग के लिए, और स्मूथ और सिल्की स्किन के लिए, और लुकिंग यंग बनने के लिए। और ये देखें, ये लिखा हुआ है 3-in-1 प्रोडक्ट है, एक्टिव क्लींजिंग मिल्क है इसके अंदर, और ये एज अ जो है वाटर प्रूफ मेकअप रिमूव के लिए भी बहुत अच्छा है। और आल स्किन के, जो आल स्किन टाइप के लोग जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव स्किन है, यूज़ कर सकते हैं, और इससे एक्ने का कोई प्रॉब्लम नहीं बनता। और आ जाते हैं इसके एमएल की तरफ, ये 245 ml है। और आप देखते हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने का जो इसका तरीका इधर मेंशन किया हुआ है, उसमें ने लिखा हुआ है 3-in-1 वाइटनिंग जेंटल मेकअप रिमूवर लोशन। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई द लोशन ऑन टू द डम्प फेशियल फेशियल स्किन एंड फेशियल स्किन विद अ कॉटन पैड, क्लीन द फेस एंड नेक फॉर वाटर प्रूफ मेकअप, होल्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड। कि आपको जब लगाना है, आपको क्लिंजिंग करना है, और थोड़ी देर के लिए आपको अपने फेस पर रखना है और फिर इसको रिमूव करना है। और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं खुद इसको आई थिंक सो 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, और ये मेरी सेकेंड बोतल है। तो और ये मैं किसी कंपनी की कोई जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रही, दिस इज़ माई पर्सनल यूज़। तो मैं पहले भी बहुत सारे जो हैं वो मेकअप रिमूवर यूज़ किए हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे लिए क्लींजर बहुत अच्छा है। मैं इसको मेकअप रिमूवर की बजाय जो एज अ क्लींजर सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आई थिंक सो। ये थोड़ा सा रह गया और मुझे और भी लेना पड़ेगा, तो मैं मेकअप रिमूवर से ज़्यादा इसको एज अ क्लींजर आपको प्रेफर करती हूँ। अगर आप बेस्ट क्लींजर सर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप एविलाइन का यूज़ करें। और ये आपकी स्किन को एक तो बहुत अच्छा स्मूथ कर देता है, और सेकंड ये कि इसके अंदर नाइसिनमाइड है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर एक्नीज नहीं आते। और इसका जो है वो बोटल्स, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी बोटल है, और 245 ml आई थिंक सो, इट्स नॉट लेस। आपका तकरीबन 1 से 2 माह, तो 1 से 2 माह तो ईजिली गुजर सकते हैं, और थोड़ी सी क्वान्टिटी में यूज़ होता है। और ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं है, और आप इसको अच्छे से फेस पे लगा के, थोड़ा सा पानी लगा के अच्छा से क्लींस कर सकते हैं, और आप ले सकते हैं स्मूथ और हेल्दी और ग्लोइंग स्किन। तो मेकअप रिमूवर की बजाय एज अ क्लींजर आप इसको डेली रूटीन में रखें, तो आई थिंक सो इट्स मोर बेनिफिशियल देन द मेकअप रिमूवर। मेकअप तो क्योंकि हम लोग हर वक्त नहीं लगाते, जो लोग जॉब करते हैं उनको तो ज़रूरत है, लेकिन जो हम घर में रहते हैं तो हम एज अ क्लींजर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक मैं इसको बेस्ट क्लींजर, बेस्ट मेकअप रिमूवर जो है वो प्रेफर करती हूँ इसको। और सेकंड ये कि जब इसको हम फेस पे लगाते हैं, आईज़ पे लगाते हैं, बिल्कुल भी इरीटेट नहीं करता आपकी आईज़ को। समटाइम आप कोई भी क्लींजर कुछ लगाएं, आपकी आईज़ को हर्ट करता है या आपके लिप्स को। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का जो है वो क्लींजर, और इसकी स्मेल आउटस्टैंडिंग है। इवन आपने क्लींजर किया हुआ, आपको अपने आप से बड़ा
अच्छा सा फील हो रहा होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात कि आफ्टर क्लींजर आपको इरिटेशन नहीं होती, इचिंग नहीं होती। समटाइम मैं इसको लगा के फिरती भी रहती हूँ, जैसे अभी विंटर था तो विंटर में मैं इसको लगा के समटाइम 5 से 6 मिनट भी लगा के रखती थी, फिर रिमूव कर देती थी। तो अभी तक की जितनी भी मेरे पास इसके रिजल्ट्स हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत कम क्लींजर हैं जिसके अंदर वाइटनिंग जो है इंग्रेडिएंट्स हो। तो इस प्रोडक्ट के अंदर नाइसिनामाइड है, तो जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है, जिनको ब्लेमिशिंग स्किन का प्रॉब्लम है, और जो चाहते हैं कि हम मेकअप हर वक्त करके रखते हैं उसके बाद उनकी स्किन फाइन, एक्नी फ्री और ग्लोइंग लगे, तो ट्राई दिस एविलाइन कॉस्मेटिक 4D मेकअप रिमूवर, क्लींजर, लोशन, वट एवर यू से, बट दिस इज 3-in-1 आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट। यूज दिस एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट की मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और अगर किसी और प्रोडक्ट के बारे में आप मेरे से इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हैं तो ज़रूर बताइए। लेकिन अभी तक ये बेस्ट क्लींजर है मेरी लाइफ में लास्ट 2 ईयर से, आई लव। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।